नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता के साथ विशेषज्ञों की टीम ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्थित नरसिंह छात्रावास भवन का किया निरीक्षण। अनशन की चेतावनी पर पुराना बस स्टैंड से देवसर चुंगी तक के टूटे रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरू। कानूनी जागरूकता अभियान के तहत किया गया एक बैठक का आयोजन। महाराजा नीमपाल सिंह महाविद्यालय में 48वीं खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सुदर्शन रिटायर्ड प्रिंसिपल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। हरियाणा प्रदेश को मिली खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। नवंबर दिसंबर में हरियाणा में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तुर्की की आई हुई प्याज को नहीं मिला भिवानी में कोई खरीदार। सैकड़ों कुंटल प्याज हुआ खराब। बावन किलो में अमित पांगाल हाल ही में बने विश्व के नंबर वन बॉक्सर। इटली में ट्रेनिंग के बाद ओलंपिक के लिए करेंगे अंतिम क्वालिफाई। और अब खबरें विस्तार से। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता के साथ विशेषज्ञों की टीम ने नरसिंह छात्रावास का निरीक्षण किया। इस भवन की खस्ता हालत को लेकर आवाज तो पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही थी, लेकिन रखरखाव पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। निरीक्षण करने आई टीम की रिपोर्ट के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। गत शुक्रवार को एसडीएम महेश कुमार ने नरसिंह छात्रावास का निरीक्षण किया था और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए थे कि विशेषज्ञों की टीम बुलवाकर नरसिंह छात्रावास भवन की हालत का अवलोकन करवाकर रिपोर्ट दी जाए। इसी पर कार्यवाही करते हुए मंगलवार को कार्यकारी अभियंता के बुलावे पर चंडीगढ़ से 2 सदस्यों की टीम भिवानी पहुंची और नरसिंह छात्रावास का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां उन्हें भवन की हालत काफी खस्ता हाल में नजर आई। वहीं मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे चंडीगढ़ से आई टीम कार्यकारी अभियंता कृष्ण कुमार के साथ नरसिंह छात्रावास पहुंची और भवन का निरीक्षण शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि गत शुक्रवार शाम को एसडीएम महेश कुमार ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्थित नरसिंह परीक्षण संस्थान का निरीक्षण किया था और छात्राओं के लिए आवास की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, तथा सोमवार को संस्थान के प्राचार्य चंडीगढ़ DGMER से भेंट करने पहुंची। उन्होंने छात्रावास की स्थिति से उन्हें अवगत कराया और भविष्य में क्या किया जाए इस बारे में विचार विमर्श भी किया। साथ में था तो उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि एक बिल्डिंग को एक बिल्डिंग एक्सपर्ट से हम इस बिल्डिंग की चेकिंग कराते हैं। तो आज बिल्डिंग एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं चंडीगढ़ से, कॉन्टिनेंटल फर्म से बुलाए हैं। तो आज हमने इसकी चेकिंग कर ली है, फोटोग्राफ्स ले लिए हैं और विद इन वीक हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे। बाकी बिल्डिंग की हालत ज़्यादा खस्ता है, ऐसे विजुअली ऐसा लग रहा है कि इस बिल्डिंग की रिपेयर नहीं हो सकती, और फिर भी लेकिन इसकी हम एक हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। सर, इसका बजट वगैरह कुछ तैयार है? अगर जर्जर हालत में होती है इसको तोड़ने की नौबत आती है, इसका बजट के बारे में तो देखो वो अपने ये प्रिंसिपल साहब बता पाए। टूटे हुए रोड को बनाए जाने के लिए लगातार आंदोलनरत लेबर क्रांति मोर्चा की कोशिशें आखिर सफल हो गई। मोर्चा द्वारा आमरण अनशन की चेतावनी के बाद मंगलवार को पुराना बस स्टैंड से लेकर देवसर चुंगी तक के रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। लेबर क्रांति मोर्चा के आंदोलन व मंगलवार को आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी के चलते आखिरकार NHAI विभाग द्वारा बस स्टैंड से लोहारू पुल तक टूटे हुए रोड के निर्माण कार्य को लेकर आदेश दिए गए, तथा आज इस आदेश के चलते कर्मचारियों द्वारा इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि यदि मौसम साफ रहता है और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि हनुमान गेट से 4-लेन मार्ग पर एक तरफ बैरिक गेट लगवाए जाएंगे, तथा बस स्टैंड से रोहतक गेट, रोहतक गेट से देवसर चुंगी तक 6 किलोमीटर तक की रोड पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और क्षेत्रवासियों को जल्द ही इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। से लेकर बस स्टैंड तक गाना चना कर रोहतक ने पीसिया काम होना है। इसके अंदर जो डी पॉइंट है उनको खुटने लगा वगैरह का काम होगा, जो पानी के पोर्शन है 10 दिन में कार्य हो जाएगा समाप्त।
मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों की एक बैठक ली गई। जिला व सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में आम जनता को कैंप्स के माध्यम से सही कानूनी जानकारी पहुंचाने और सभी संबंधित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। आज मंगलवार को माननीय हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के आदेशानुसार वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार वे प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैडम शिखा जी के कुशल मार्ग में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों की एक बैठक ली गई। बैठक में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए विशेष कैंपों के बारे में आम जनता को मिलने वाली कानूनी जानकारी बताकर उन्हें सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने को लेकर सभी विभागों को सचेत किया गया। साथ ही उन्हें उनके द्वारा किए गए विभाग के थ्रू कार्य के प्रति सजग किया व समय समय पर जिला प्राधिकरण के साथ मिलकर आम जनता को उनकी सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं आज गांव हालुवास में भी एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन योगेश परमार द्वारा किया गया। हमने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक मीटिंग ली थी, उसका मुख्य उद्देश्य है हमारा एक आउटरीच मॉड्यूल प्रोग्राम के नाम से कैंप आया है जो कि हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में और जिला जेल भिवानी के अंदर इस कैंप का आयोजन किया जाना है। इन कैंप्स में आम जनता को, जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि उसमें फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी, फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा लोगों को, जो ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं बुढ़ापा पेंशन के लिए या विधवा पेंशन के लिए, इन सभी प्रकार की जो भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके मौके पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। और इस मौके पर हम जो है अवेयरनेस कैंप लोगों को, आम आदमी को जागरूकता कैंप भी लगाया जाएगा। और इसी कड़ी में ही यहाँ पर नुक्कड़ नाटक वगैरह का भी आयोजन किया जाएगा जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। एसटी वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति है उन सभी को मुफ्त कानूनी सहायता यहाँ प्रदान की जाती है, उनको विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दिए जाते हैं। यदि वो किसी कानूनी मसले पर सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे फ्रंट ऑफिस में आकर ये सलाह ले सकते हैं। और हमारे अलग अलग स्थानों पर जैसे लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर चलते हैं, वहाँ प्रत्येक बुधवार को और रविवार को हमारे PLVs और वकील साहिबान विजिट करते हैं। वहाँ के लोग भी आकर ऐसे हमारे परामर्श केंद्रों पर जाकर अपनी सलाह वहाँ से ले सकते हैं और उनको समय समय पर कैंप लगाकर वहाँ जागरूक किया जाता है। मंगलवार को हांसी रोड स्थित महाराजा नीमपाल सिंह महाविद्यालय में 48वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। मंगलवार को हांसी रोड स्थित महाराजा नीमपाल सिंह महाविद्यालय में 48वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया जिसमें अनेक महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के तहत 800 मीटर रेस व 400 मीटर लंबी कूद सहित अनेक खेलों का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि 800 मीटर की रेस में BA फर्स्ट ईयर के अजय कुमार प्रथम रहे तथा लड़कियों की 400 मीटर रेस में पूजा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं लंबी कूद में भी छात्राओं ने अपने दमखम का लोहा मनवाया। इसी के साथ मुख्य अतिथि द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया तथा उनको आशीर्वाद देने के साथ साथ उनके भविष्य की सुखर कामना भी की गई। जो हमारे बीच में है और हमारी 48वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर हमारे खिलाड़ियों का अनुरोध करूंगा महाविद्यालय के श्री दिनेश कुमार जी से और काउंसिल के अन्य सदस्यों से कि वो महाविद्यालय मिंटल जी ने, क्योंकि ये क्लास है फर्स्ट और सीमा इज द स्कोरर, देखिए वो अपने जीवन में खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दें और साथ से खेल इसलिए भी जरूरी है कि निश्चित रूप से खेल जो है वो नशे से बच्चों को दूर रखे। उनका अभिन्न अंग है और हेल्दी इंडिया बनाने के लिए युवा शक्ति स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए और भारत विश्व का एक अग्रणी देश है, उसके अंदर अगर हमारी युवा शक्ति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से भारत का जो भविष्य है वो उज्ज्वल होगा। मैंने 400 मीटर रनिंग में भाग लिया था तो मैं उसमें फर्स्ट हूँ।
अभी तो फिलहाल तो मेरा लक्ष्य है कि मैं बेस्ट एथलीट बनूं यहाँ की और आगे चल के मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को मिलने के बाद खेल विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अक्टूबर नवंबर में होने वाले इन खेलों का 60% खर्च केंद्र सरकार तथा 40% खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। इन खेलों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के 21 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2017 में शुरू किया था, जिसके चलते देश में हजारों प्रतिभावान खिलाड़ियों को 5,00,000 रुपए वार्षिक खेल वजीफा दिया जा रहा है। वर्ष 2020 से 2021 के लिए अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा प्रदेश को मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मंजूरी देने के बाद अक्टूबर नवंबर 2020 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी खेल विभाग ने शुरू कर दी है। इन खेलों का 60% खर्च केंद्र सरकार का खेल मंत्रालय व 40% खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत हर वर्ष देश के 1,000 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के तहत किया जाता है, जिसमें स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय के 21 वर्ष तक के युवा खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। वहीं खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च करने का उद्देश्य है खिलाड़ियों की प्रतिभा को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने व ओलंपिक खेलों में भारत की रैंकिंग सुधारने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। हालांकि इस योजना का एक उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व सुविधाओं की कमी को पूरा करना भी है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दो वर्ग रखे गए हैं। पहले वर्ग में 17 वर्ष तक के खिलाड़ी तथा दूसरे वर्ग में 21 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि खेलो इंडिया योजना के तहत आर्चरी, एथलीट्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, कबड्डी, टेबल टेनिस, कुश्ती, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल लाने के आधार पर चयन किया जाता है। और कहाँ पे करते हो? मेरा नाम सुनीता मोरा है, मैं हॉकी खेलती हूँ यहाँ पे। मैं जींद से हूँ, कॉलेज में आदर्श कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं और हॉकी खेलती हूँ। ये बहुत अच्छा गेम है। इसमें खेलो इंडिया का गेम की टूर्नामेंट है ना जो, वो इसका बहुत बेनिफिट है। इसमें मतलब बच्चों को तैयार किया जाता है अच्छे लेवल पर पहुँचाने के लिए। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजिशन वाले बच्चे होते हैं, उनको 8 साल तक 5,00,000 रुपये मिलते हैं। और मतलब पहले ये था कि बच्चे हर चीज़ नहीं पा सकते थे, किट वगैरह उनको कुछ की फैमिली भी मतलब ये नहीं कर नहीं पाती थी उनके लिए, तो अब उनके लिए बहुत बेनिफिट है। उनको 8 साल तक सरकार 5,00,000 रुपए देगी और इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट है। उनकी प्रैक्टिस और अच्छे लेवल के लिए तैयार किए जाते हैं। भिवानी की भी एक लड़की गई है अभी खेलो इंडिया में, निधि नाम है शायद। जो ये खेलो इंडिया जो टूर्नामेंट चलाई गई सरकार ने, बहुत अच्छा टूर्नामेंट चलाया गया है। ये सरकार द्वारा ऐसा जो गेम में बच्चे रह जाते थे उनको ऊपर चढ़ाने के लिए, जो लगभग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है इससे। और इसमें लगभग विभिन्न गेमों में से लगभग 1,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं हर साल। उनको 5,00,000 रुपए देते हैं हर साल और 8 साल तक उनका ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है 8 साल तक। इंडिया एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, सरकार ने इसकी जो पहल की है वो बहुत बढ़िया है। इसमें काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं और फायदा भी होता है बच्चों को। ये टूर्नामेंट एक ऐसा है बच्चों का भविष्य बनाने खातर, इसमें अच्छा बच्चों के लिए सुविधाएं भी अच्छी हैं, बच्चों को पैसा भी अच्छा मिलता है और इसका जो है गेम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। जहां भी ये नेशनल टूर्नामेंट होता है उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंस करके आते हैं। हमारे इस बार एक लड़की वीरेंद्र कोच साहब की हॉकी की है, ईशु उसका नाम है, वो परफॉर्मेंस दे के आई है, उसका फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्लेस पर आई है वो लड़की, तो अंडर 17 में तो पहली पोजीशन थी हरियाणा की। तुर्की से मंगाई हुई प्याज डिपो होल्डर द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद खाद्य विभाग द्वारा इनकी बोली लगाने पर भी इसका उचित दाम न मिलने के चलते ये प्याज बोलीदाताओं को नहीं दी गई। खाद्य विभाग द्वारा 2 दिन बाद इन प्याजों की बोली दोबारा लगाए जाने की बात सामने आई है।
पिछले माह 31 जनवरी को हैफेड द्वारा खाद्य विभाग को 324 क्विंटल तुर्की से मंगाई हुई प्याज डिपो होल्डर को देने के लिए दी, लेकिन डिपो होल्डर द्वारा प्याज को रिजेक्ट करने पर खाद्य विभाग ने इन्हें खुली बोली लगाकर मार्केट में बेचने का निर्णय लिया। वहीं दो दिन पहले खाद्य विभाग ने इनकी अपने ऑफिस अनाज मंडी स्थित गोदामों में बोली रखी, लेकिन भिवानी खाद्य विभाग के मन मुताबिक बोली न लगाने के कारण और प्याज का उचित भाव न मिलने के कारण प्याज बोलीदाताओं को नहीं दी गई। इसमें अधिकतम बोली 25,000 की लगी। वहीं जब इस बारे में खाद्य विभाग के सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उचित बोली ना लगने के कारण बोलीदाताओं को प्याज नहीं दी गई तथा दो दिन के बाद इन प्याजों की बोली दोबारा से कराई जाएगी तथा जल्द से जल्द इनकी बोली लगाकर प्याजों को बेचा जाएगा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि कब खाद्य विभाग इनकी बोली लगाएगा और कब बोलीदाताओं को यह प्याज मिल पाएगी? उसकी बोली लगी थी, लेकिन लोग आते रहे और देखते रहे कि हम इसमें क्या है कैसे है, और उसके बाद जो है जैसे ही ज़्यादा बोली लगेगी ना उसको दिया जाएगा, और इसको अब सेग्रीगेट करवाना शुरू कर दिया गया है। जैसे जो जितना अच्छा प्याज निकलेगा ना उसी हिसाब से इसकी बोली मैक्सिमम करके ना इसको दे दिया जाएगा। छटाई? हाँ हाँ हाँ, अभी चल रहे हैं जी, दो दिन सेग्रीगेशन में चलेंगे इसको, फिर बाद में पता लग जाएगी एक्चुअल में क्या पोजिशन, कितना प्याज सही है और कितना। तो सर ये कितने क्विंटल प्याज और कितने? 24 क्विंटल प्याज था। ये कहाँ से आया था सर? ये नेफेड के माध्यम से आया था, ये राई से आया था। तो सर अब आगे कब की उम्मीद है? डिपो पे ये नहीं जाएगा जी। अच्छा अच्छा, तो मार्केट में कब तक जाएगा जी? ये तो देखो दो दिन का तो टाइम है, ये दो दिन के बाद पता लगेगा एक्चुअल में कि क्या पोजीशन क्या है, लेकिन अभी इसको एक्चुअल में सेग्रीगेट करवाने के बाद इसका पता लगेगा कि एक्चुअल में टोटल कितना माल सही है और कितना खराब हो चुका है। तो सर लगभग सभी प्याज उग चुकी हैं? हाँ, प्याज तो लगभग देखो अंदर से जैसे ही इसको कट्टे निकलेंगे और वैसे ही सेग्रीगेट करवाया जाएगा ना, तो प्याज हो सकता है अच्छी निकले इसमें से, उम्मीद है। हौसले और मेहनत ही जीत दिलाते हैं, ये कहना था हाल ही में विश्व के नंबर वन बॉक्सर बने अमित पंघाल का। अमित पंघाल ने हाल ही में 52 किलोग्राम भार वर्ग में अपने प्रतिद्वंदियों को मात देते हुए नंबर वन का खिताब अपने नाम किया था। बॉक्सर नंबर वन ने ओलंपिक में भी देश को गोल्ड मेडल दिलाने की आशा जताई है। आपको बता दें कि आज तक हमारे देश में दो बॉक्सर विश्व के नंबर वन बॉक्सर बने हैं। इनमें 2009 में मिनी क्यूबा भिवानी के ओलंपिक कांस्य पदक 75 किलोग्राम भार वर्ग में विजेता विजेंद्र सिंह ने विश्व के नंबर वन बॉक्सर बनने का खाता खोला था, और अब हाल ही में रोहतक के 24 वर्षीय अमित पंघाल 52 किलो भार वर्ग में विश्व के नंबर वन बॉक्सर बने हैं। ये उपलब्धि पूरे देश के न केवल बॉक्सरों के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वहीं अमित पंघाल ने बताया कि विश्व के नंबर वन बॉक्सर होने का काफी बेनिफिट है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ओलंपिक क्वालिफाई करते समय मुकाबले वाले बॉक्सर से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेला जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब इटली में ट्रेनिंग होगी जिससे अलग अलग देशों के बॉक्सरों के साथ खेलने तथा नए अनुभव सीखने का मौका मिलेगा। वहीं अमित ने अमेरिका की एक कंपनी द्वारा डाटाबेस सर्वे के दौरान भारत को दो गोल्ड मिलने के सवाल पर कहा कि इस समय भारत में बॉक्सिंग पीक पर है, ऐसे में हमारी कोशिश दो से भी ज्यादा गोल्ड बॉक्सिंग में और साथ ही देश को कई मेडल रेसलिंग में भी मिल सकते हैं। गौरतलब है कि विश्व के नंबर वन बॉक्सर बनने के बाद अमित के हौसले व आत्मविश्वास बढ़ गए हैं। वर्ल्ड रैंक मिली है, इससे ओलंपिक्स में भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस पर, और हम आगे जितने वाले आने वाले कॉम्पिटिशन है उनमें अच्छे स्कूल के खेल पाएंगे जी। तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, अभी हम कुछ दिन दो तीन दिन के बाद हम जैसे इटली भी जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ भी हम जो कुछ कंट्री आएंगी ट्रेनिंग के लिए उनके साथ हम स्पारिंग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उनके हाव भाव देखेंगे, उनके साथ ट्रेनिंग करने से भी हमारा कॉन्फिडेंस और अप होगा, और उसके साथ फिर हम क्वालिफाइंग राउंड में जाएंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा कि हम वहाँ पर जाकर ईजिली बाउट खेल सकते जी। बिल्कुल, जैसे इंडिया की बॉक्सिंग काफ़ी उच्च स्तर पर है इस टाइम, और जहाँ भी हम जाएँ रिकॉर्ड मेडल लेके आ रहे हैं, तो हमारा यही टारगेट रहेगा, सभी का, सभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग पर हैं, सभी का यही टारगेट रहेगा कि फर्स्ट क्वालिफाइंग में अपना ओलंपिक कोटा हासिल करें और ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। और हमें लगता है कि इस बार ओलंपिक्स में इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हम लेके आने की कोशिश। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नज़र अब तक की तमाम खास हलचलों पर। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता के साथ विशेषज्ञों की टीम ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्थित नर्सिंग छात्रावास भवन का किया निरीक्षण। अनशन की चेतावनी पर पुराना बस स्टैंड से देवसर चुंगी तक के टूटे रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरू। कानूनी जागरूकता अभियान के तहत किया गया एक बैठक का आयोजन।
महाराजा नीमपाल सिंह महाविद्यालय में 48वीं खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सुदर्शन रिटायर्ड प्रिंसिपल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। हरियाणा प्रदेश को मिली खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी, नवंबर दिसंबर में हरियाणा में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तुर्की की आई हुई प्याज को नहीं मिला भिवानी में कोई खरीदार, सैकड़ों कुंटल प्याज हुआ खराब। बावन किलो में अमित पांगाल हाल ही में बने विश्व के नंबर वन बॉक्सर, इटली में ट्रेनिंग के बाद ओलंपिक के लिए करेंगे अंतिम क्वालिफाई। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।